बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। आज हम इजी एंड क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी बना रहे हैं जो कि है स्पेनिश ऑमलेट। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अंडे 3 अदद, बंद गोभी, प्याज और आलू, ये सब हाफ कप की क्वांटिटी में है। और सब्ज धनिया जो है ये रफली चॉप कर लिया है 2 टेबलस्पून। मोज़रेला चीज़ इसमें जाएगी हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफ टी स्पून सफ़ेद का मिर्च है और इसी तरह हाफ टी स्पून काली मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम ग्राइंड कर लेंगे। हाफ टी स्पून नमक इसमें शामिल होगा और साथ ही चिली फ्लेक्स जो हैं वो हाफ टी स्पून की क्वांटिटी में जाएंगे। और ये हरी मिर्च थी जिसने अपना रंग तब्दील करके सुर्ख कलर में आ गई है, ये सिर्फ मैं कलर इफ़ेक्ट देने के लिए इसको यूज़ करूँगी एक चॉप करके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। हीट जो है ये मीडियम स्लो पे है। सबसे पहले इसमें चॉप जो आलू है ये हम शामिल करेंगे। इसको 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। तीन मिनट के बाद इसमें बंद गोभी, प्याज शामिल कर देंगे, चॉप हरी मिर्च भी शामिल करेंगे जो कि रेड कलर में है। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। सॉरी, मैं शुरू में बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में कि इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो लेवल करके फाइन फ्लावर यानी मैदा जाएगा और हाफ कप दूध भी जाएगा। मैदा जो है ये इसकी बाइंडिंग का काम करेगा। ऑमलेट अगर कोई बच्चा भी लेके खाते हुए चलते फिरते हुए खाएगा तो ये इसके सारे आलू प्याज बंद गोभी नीचे नहीं गिरेंगे। इसको 2 मिनट के लिए मीडियम स्लो पे ही हम भून लेंगे। साथ ही सारे मसाला जात शामिल करते हैं, चिली फ्लेक्स, नमक, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च और मिक्स करते हैं। इसको लगातार चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि मैदा जो है वो यकसा भुना जाए। व्यूअर्स, 2 मिनट के बाद इसमें हाफ कप दूध शामिल कर देंगे और स्लो जो है वो टोटली स्लो पे कर देंगे। मिक्सअप करेंगे और इसको 4 to 5 मिनट्स बिल्कुल दम वाली आँच पे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, जिससे आलू का अगर हल्की भी सख्ती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तीनों अंडों को अलग अलग से तोड़ लिया है, अब इसे मिक्स करते हैं। और इसे इतना फेंटेंगे कि ये फूल कर थोड़ा फ्लफी हो जाए। स्पेनिश ऑमलेट के लिए जो सब्ज़ियाँ हम कुक कर रहे हैं इसमें से दूध तकरीबन ड्राई हो गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए एक प्लेटर में निकालेंगे और जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता अंडों में शामिल नहीं करेंगे। तीनों अंडों के मिक्सचर को एक बड़े बाउल में शामिल करके साथ ही हरा धनिया जो रफली चॉप किया हुआ था वो शामिल कर लिया है। अब इसमें सब्जियों का मिक्सचर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। ये जब ठंडी हो गई थी आलू प्याज और बंद गोभी और मसाला जात, तभी हमने अंडे में शामिल किया। इसको कभी भी गर्म शामिल ना कीजिएगा। एक पैन में बकाया बचा हुआ ऑयल डाला है और जैसे ही हाथ को हीट महसूस हो
अब हम इसमें अंडों का आधा मिक्सचर डाल देंगे। इधर फिर थोड़ा मिक्स करेंगे, हाफ मिक्सचर डालेंगे और साथ ही जो हीट है वो बिल्कुल दम वाली उस पर कर देंगे, टोटली स्लो पे कर देंगे। हाफ़ मिक्सचर बचाएंगे, इस पर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह बिछा दिए, साथ ही इसमें बकाया अंडों का मिक्सचर डालेंगे। ऐसे डालेंगे ये पूरे मोज़रेला चीज़ को कवर कर ले। साथ ही इस पर ढक्कन लगा दिया है और एक मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। एक से डेढ़ मिनट हो चुका है, इसको चेक करेंगे कि क्या ऊपर से भी कुछ कुक हो चुका है कि नहीं। देखिए इसकी साइड्स पे थोड़ा ऑयल ज़्यादा आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा चम्मच से उतार लूँगी ताकि जब हम इसे टर्न करेंगे तो गर्म ऑयल हाथ पर ना गिरे, क्योंकि एक साइड से कुक हो गया है, अब इंशाल्लाह दूसरी साइड से भी इजीली हो जाएगा। एक प्लेट लेंगे, इसको यूं टर्न करेंगे, उल्टा देंगे और इसको यूं टर्न कर लेंगे। एहतियातन चूल्हे से मैंने थोड़ा दूर कर लिया था ताकि कोई ऑयल वगैरह ना गिरे। बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इतिहास से दोबारा इसको इस पर निकाल लेंगे बहुत एहतियात से। अब इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम जो है वो टोटली बिल्कुल स्लो पे है। 1.5 मिनट के बाद ये दूसरी साइड से भी रेडी हो गया है, इसको एक प्लेटर में निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, स्पेनिश चीज़ ऑमलेट तैयार है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।